जहां गालीकांड में पहले बीएसपी फुल फॉर्म में थी, सड़क पर उतरी थी, तो अब बारी है बीजेपी की। जी हां, गालीकांड पर यूपी में घमासान मचा हुआ है। बीजेपी महिला मोर्चा के पैदल मार्च को फिलहाल बीच रास्ते में रोक दिया गया। प्रशासन ने महिला मोर्चा को बीच रास्ते में रोका है। महिला कार्यकर्ता और पुलिस के बीच में जोरदार झड़प भी हुई है, तो पुलिस ने यहाँ पर इस मार्च को रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया है। परिवर्तन चौक से हजरतगंज गांधी प्रतिमा तक इस मार्च को जाना था। इनका यहाँ पर यही कहना है कि जिस तरह से बीजेपी ने तुरंत कार्रवाई करते हुए दयाशंकर सिंह को पार्टी से निकाल दिया, ठीक उसी तरह की कार्रवाई बीएसपी क्यों नहीं कर रही है। बीएसपी के नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी के खिलाफ बीजेपी का मार्च है। गालीकांड को लेकर नसीमुद्दीन सिद्दीकी की गिरफ्तारी की मांग लगातार उठ रही है, और साथ में ये भी कहना है कि पार्टी अपने स्तर पर कार्रवाई करे, प्रशासन अपने स्तर पर। तो ये गुस्सा, जो ये सियासी गुस्सा सारा सड़क पर नजर आ रहा है। तो इससे पहले बारी बीएसपी की थी, और उसी दौरान एक ऐसी गलती कर गई बीएसपी कि उसका यहाँ पर फायदा बीजेपी ने ले लिया। आप देख सकते हैं बीजेपी महिला मोर्चा का प्रदर्शन है पहली तस्वीर में, और दूसरी तस्वीर में पुलिस द्वारा उन्हें रोका जा रहा है और झड़प भी हुई है। और पुलिस से झड़प के दौरान यहां पर कुछ महिला जख्मी भी जरूर हुई है, लेकिन वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है ताकि किसी को कोई चोट ना लगे, लेकिन मार्च रुक जाए। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा द्वारा आयोजित प्रदर्शन को मैं समझ नहीं पा रहा हूं। समाजवादी पार्टी की सरकार बसपा को किस हद तक मदद करना चाहती है? भारतीय जनता पार्टी का यह शांतिपूर्ण प्रदर्शन है, इसके रोकने के परिणाम बड़े नुकसानदायक होंगे समाजवादी पार्टी के लिए भी, बसपा के लिए भी। हम नसीमुद्दीन सिद्दीकी को बर्खास्तगी के लिए मांग कर रहे हैं, क्योंकि दयाशंकर सिंह की पूरी कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी ने की है, लेकिन हम वही कार्रवाई मायावती भेंदी से चाहते हैं कि बहुजन समाजवादी पार्टी में वही कार्रवाई करें, लेकिन अभी तक वो कार्रवाई नहीं हो रही है। इसी वजह से आज महिलाओं में आक्रोश है। महिलाएं आपके सामने है, उनका आक्रोश जो है जारी है, और ये आक्रोश जारी रहेगा जब तक नसीमुद्दीन की बर्खास्तगी नहीं होगी। मैं बेटी के सम्मान में हम लोग यहाँ पर आकर के आज महिला मोर्चा के सब लोग नसीमुद्दीन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, एकता का प्रतीक दे रहे हैं। बेटी चाहे हिंदू की हो या मुसलमान की हो, बेटी बेटी है, चाहे वो किसी की बेटी हो। उनकी बहन जी को कहा गया तो उन्हें बहुत बुरा लगा, देवी का अवतार बता रहे हैं, तो क्या हमारी बेटियां कहीं पर आई, कहीं से घूर करके आई है? नहीं, हमको किसी भी कीमत पे अपनी बेटी बहू का, महिला का सम्मान, महिला के द्वारा महिला का अपमान किया गया, ये बर्दाश्त नहीं होगा। नसीमुद्दीन को बर्खास्त करो, बेटी के सम्मान में भाजपा मैदान में हम बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करें। अक्सर राजनीति में होता ऐसा है कि जो प्रतिद्वंदी दल होते हैं, प्रतिद्वंदी जो राजनेता होते हैं, वही आपकी मदद कर देते हैं, और इस केस को अगर आप शुरुआत से देखें तो ऐसा ही हुआ। पहले बीएसपी को यहां पर मौका दिया दयाशंकर सिंह ने, जिन्होंने इस तरह के शब्द कहे कि बीएसपी ने बजाय इसकी की निंदा करके उसका पूरा पूरा पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश की, और उसके बाद जो प्रदर्शन बीएसपी का, उस दौरान इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल हुआ कि बीजेपी को लगा कि चलिए जो वो लड़ाई हार रही थी उसमें मुकाबले में आ गई है, तो उसका पॉलिटिकल माइलेज फिर बीजेपी ने लेना शुरू कर दिया है, और यही सब कुछ चल रहा है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, लखनऊ की तस्वीरें हैं, जहां बीजेपी महिला मोर्चा का पैदल मार्च है जिसे रोक दिया गया है, और इस दौरान कितनी ज्यादा यहां पर भीड़ है और पुलिस बल को कितना ज्यादा यहां पर मेहनत करनी पड़ रही है, तस्वीरों में साफ है। तो पहले से ही जानकारी थी कि आज ये मोर्चा निकलेगा, तो इसलिए पुलिस बल जो है पूरी तरह से तैयार थे। महिलाओं को रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल यहां पर किया गया है। तो मांग यही है कि जो कार्रवाई बीजेपी ने तुरंत की, वही कार्रवाई मायावती क्यों नहीं कर रही है, जबकि महिलाओं की सम्मान की बात काफी बढ़ चढ़कर कर रही थी, और प्रशासन भी यहां नसीमुद्दीन सिद्दीकी को गिरफ्तार करे, हालांकि खुद दयाशंकर अभी गिरफ्त में नहीं आए हैं। तो मांग यहां पर नसीमुद्दीन सिद्दीकी के खिलाफ कार्रवाई को लेकर की जा रही है। और बीजेपी महिला मोर्चा का दल राजभवन पहुंचा है, राज्यपाल से इस वक्त मुलाकात चल रही है, और बीएसपी नेता के खिलाफ कार्रवाई की जो मांग है उससे राज्यपाल को अवगत कराया जा रहा है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी की गिरफ्तारी की मांग यहां पर है। तो आपको बता दें कि बीजेपी महिला
मोर्चा का एक जो प्रतिनिधि मंडल है वो इस वक्त राज्यपाल राम नाईक से मुलाकात कर रहा है और उनकी मांग यही है कि जो महिलाओं की अस्मिता की बात लगातार होती है तो आखिर क्यों इतने वक्त बाद भी नसीमुद्दीन के लेकर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, ना ही पार्टी के स्तर पर ना ही प्रशासन के स्तर पर। तो इन मांगों को लेकर आज राज्यपाल से मिलने के लिए पहुंचा है बीजेपी महिला मोर्चा का एक प्रतिनिधि मंडल। और अभिषेक हमारे संवाददाता लखनऊ से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो अभिषेक, जैसा हमने कहा कि हमारे जो प्रतिद्वंदी होते हैं वो मौका हमें देते हैं, पहले बीएसपी को मौका दिया दयाशंकर सिंह ने और अब बीजेपी को मौका दिया है यहाँ पर नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने, तो क्या कुछ देखने को मिल रहा है इसका सियासी रंग? बिल्कुल, जो उत्तर प्रदेश की सियासत है वो लगातार गर्माती नजर आ रही है। आपको बता दूं कि बीएसपी में लगातार जो नेता है वो पार्टी छोड़कर जा रहे, तो उसकी वजह से बीएसपी बहुत बैकफुट पे आ गई थी, वेंटिलेटर पर चली गई थी और जो दयाशंकर का बयान था उन्होंने उसको ऑक्सीजन देने का काम किया। दयाशंकर के बयान के बाद बहुजन समाज पार्टी में ऑक्सीजन मिली और उनके मास्क जो लगाया था दयाशंकर के बयान ने उसको उन्हीं के कार्यकर्ताओं ने शाम तक उतार दिया। तो उसके बाद जो जिस तरीके की टिप्पणी दयाशंकर के परिवार के खिलाफ टिप्पणी की उससे कार्यकर्ताओं ने उतार लिया। अब आज उसी को मोर्चा बनाकर बहुजन जो भाजपा के कार्यकर्ता है वो लगातार बसपा पर हमला कर रहे हैं। पहले आपने देखा कि पूरे प्रदेश में जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन किया गया, आज बीजेपी की महिला मोर्चा की तरफ से यहाँ पे प्रदर्शन किया गया। हालांकि जो प्रदर्शन था सुभाष चौक से गांधी प्रतिमा तक जाना था जो कि लगभग 1.5 किलोमीटर है, उसको 100 मीटर के दायरे में ही रोक दिया गया। हजारों की तादाद में पूरे प्रदेश में बीजेपी की महिला मोर्चा की कार्यकर्ता इकट्ठा हुई थी और उनको यहाँ पर रोक दिया गया बलपूर्वक। यहाँ प्रशासन ने अपनी तैयारी मुस्तैदी से कर रखी थी, वाटर कैनन्स लगाए गए थे, बैरिकेडिंग की गई थी। हालांकि बीजेपी महिला मोर्चा ने पूरा दमखम लगाया कि बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ा जाए, लेकिन ऐसा पुलिस बल ने करने नहीं दिया गया। तो जो अभी है 1 बजे जिस तरीके की बात कही गई थी कि 1 बजे तक यह प्रदर्शन होगा, 1 बजे के पहले प्रदर्शन को खत्म करते हुए बीजेपी महिला मोर्चा का जो दल है वो राज्यपाल से मिलने पहुंचा है। 22 महिला लगभग जो दल गया है, डेलीगेशन गया है, वो राज्यपाल से मिलकर नसीमुद्दीन सिद्दीकी की बर्खास्तगी और गिरफ्तारी की मांग कर रही है। बिल्कुल, तो ये जानना चाहेंगे आपसे अभिषेक, आपने कहा कि यहाँ पर मिलने के लिए गया, तो चले देखते हैं, क्योंकि सीधे सीधे मांग यही है कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी की गिरफ्तारी और बीएसपी खुद उन्हें अपनी पार्टी से निकाले। शुक्रिया आपका जानकारी के। तो आपको बता दें कि फिलहाल ये मोर्चा जो था, आज का जो प्रदर्शन जो कार्यक्रम था वो संपन्न हो चुका है और 22 सदस्यीय एक दल पहुंचा है राज्यपाल से मिलने के लिए, जो कुछ उनकी मांग है उससे अवगत कराने के लिए।